आज आलू टिक्की बनाएंगे। आलू टिक्की बनाने के लिए 4 आलू लिए हैं, उसको बॉईल करके अच्छी तरह से ठंडा करके छिलका निकाला है। धनिया, पुदीना, ग्रीन मिर्ची और मिर्ची का फ्लेक्स, ये सब इस आलू के ऊपर ही डाल रही हूँ। थोड़ा नींबू का रस डालते हैं, स्वाद अनुसार नमक। इसको हाथ से अच्छी तरह से स्मैश करेंगे और चावल का आटा डाल रहे हैं, जितना उसमें उठाता है डाल सकते हैं चावल का आटा। देखिए कितना अच्छा वो मिक्स हो गया है। अभी इसको गोल गोल लोही बना रहे हैं, इसको शेप देंगे। देखिए कितना सुंदर, बहुत इजी है, सिंपल है, फटाफट बन सकता है, सिर्फ आलू बॉईल करने की बात है। एक पैन में तेल थोड़ा डाल के इसको लाइन से रख देते हैं। इसको पकने में ना 5 मिनट तो लगेगा, मीडियम आंच में रखना है। देखिए कलर कितना सुंदर कलर निकला है, टूटेगा नहीं, आराम से बना सकते हैं। ये शाम को स्नैक्स के टाइम पर खिला सकते हैं बच्चों को, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसको टमाटो सॉस के साथ खिला सकते हैं। देखिए आलू टिक्की रेडी।